नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। अभी पूरी दुनिया चीन से फैले कोरोना वायरस से लड़ ही रही थी कि चीन से एक और बुरी खबर सामने आ गई। अब चीन में पहली बार इंसान में बर्ड फ्लू पाया गया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 41 वर्षीय में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन पाए जाने की पुष्टि की है। ये शख्स चीन के जियांगसू प्रांत में रहने वाला है। NSC ने बताया कि बुखार और अन्य लक्षण के बाद इस शख्स को 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके एक महीने बाद यानी 28 मई को इसमें H10N3 स्ट्रेन पाया गया है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने बर्ड फ्लू से पीड़ित शख्स के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि ये संक्रमण मुर्गियों से इंसान में पहुँचा है। हालांकि NHC का कहना है कि H10N3 स्ट्रेन ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है और इसके बड़े स्तर पर फैलने का खतरा भी बहुत कम है। नेशनल हेल्थ कमीशन के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की जांच में कोई भी दूसरा व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया है। आपको बता दें कि चीन के एविएशन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के कई स्ट्रेन मौजूद हैं और इसमें से कुछ इंसानों को भी संक्रमित कर चुके हैं। इससे खास तौर पर वो लोग प्रभावित होते हैं जो पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं। हालांकि अभी तक H10N3 स्ट्रेन दुनिया भर में किसी भी इंसान में नहीं पाया गया था। चीन में इसका ये पहला मामला है। चीन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने भले ही H10N3 स्ट्रेन के फैलने की आशंका कम जताई हो, लेकिन ये खबर पूरी दुनिया के लिए डराने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस भी चीन के रास्ते ही पूरी दुनिया में आया था और आज तक विश्व इस महामारी से छुटकारा नहीं पा सका है। तो इस खास न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।